दोस्तों, बॉलीवुड में प्यार, तकरार, यारी और दुश्मनी के बहुत से दिलचस्प किस्से सुनने को मिल जाते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे किस्सों के बारे में बताने वाले हैं। बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन के ऐसे कई किस्से फेमस हैं कि जब अजय देवगन फिल्म इंडस्ट्री में अपने ही को स्टार से या फिल्म डायरेक्टर से भिड़ बैठे थे। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय कुमार और अजय देवगन के झगड़े के बारे में। अजय देवगन का झगड़ा इतना हद तक बढ़ चुका था कि दोनों एक फिल्म में काम भी नहीं करना चाहते थे। वहीं इसी झगड़े के बीच अजय इतने आग बबूला हो गए थे कि इसका असर अक्षय से जुड़े लोगों पर भी पड़ने लगा था। उस वक्त अक्षय की गर्लफ्रेंड मानी जाती अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को अजय के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। 1994 में आई फिल्म सुहाग तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म में पहली बार अक्षय कुमार और अजय देवगन एक साथ नजर आए थे। फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी और उनकी जोड़ी भी फैंस को काफी पसंद आई थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। सुहाग फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद से इन दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। अक्षय कुमार समय के साथ साथ भले ही इस बात को भूल चुके थे, लेकिन अजय देवगन इस बात को बिल्कुल नहीं भूले। उन दिनों शिल्पा शेट्टी अक्षय कुमार की गर्लफ्रेंड थी और 1999 में आई फिल्म होगी प्यार की जीत के लिए प्रोड्यूसर ने पहले शिल्पा शेट्टी को साइन किया था, लेकिन अजय देवगन ने शिल्पा के साथ काम करने से साफ मना कर दिया और इस तरह से उन्होंने अक्षय कुमार की दुश्मनी शिल्पा शेट्टी के साथ निकाली। हालांकि आज तो दोनों के रिश्ते सुधर चुके हैं और आज दोनों के बीच ठीक ठाक दोस्ती कही जा सकती है। अब बात करते हैं आमिर खान की। आमिर खान और अजय देवगन की फिल्म इश्क 1997 में आई थी। इस फिल्म में अजय और आमिर की जोड़ी कमाल की थी। इनकी दोस्ती भी बेमिसाल दिखाई गई थी, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो उस समय जो दोस्ती दिखाई गई थी उस हिसाब से आज तो इन दोनों के बीच बातें भी नहीं होती हैं। कहा जाता है कि इश्क फिल्म के प्रीमियर के दौरान अजय और आमिर के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसे लेकर आज तक इन दोनों के बीच मनमुटाव है। वहीं अजय देवगन और शाहरुख खान के झगड़े तो जग जाहिर है। अजय देवगन शाहरुख खान को अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि शाहरुख और काजोल की जोड़ी हमेशा से लोगों को पसंद आती रही है। ऐसे में जब भी अजय और काजोल कभी भी मीडिया में होते हैं तो काजोल से एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि शाहरुख के साथ आप अगली फिल्म कब कर रही हैं? ये बात अजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आखिर आएगी भी कैसे, काजोल उनकी पत्नी जो है। वहीं अजय देवगन की करण जौहर से भी कुछ खास नहीं बनती। 2016 में अजय देवगन की फिल्म आई थी शिवाय और तभी करण जौहर की फिल्म आई थी ए दिल है मुश्किल। इन दोनों ही फिल्मों की रिलीज डेट सेम हो गई थी। ऐसे में इन दोनों में से कोई भी अपनी अपनी डेट आगे पीछे करने को तैयार नहीं था, लिहाजा इसका खामियाजा अजय देवगन को भुगतना पड़ा, क्योंकि रिलीज होने पर करण की फिल्म ए दिल है मुश्किल ने अच्छा कलेक्शन किया और उस वजह से शिवाय का कलेक्शन कुछ अच्छा नहीं रहा। तब से अजय देवगन और करण जौहर के बीच मनमुटाव है। वहीं डायरेक्टर प्रकाश झा पिछले काफी समय से अजय देवगन को अपनी फिल्म सत्संग में कास्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अजय देवगन को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजय देवगन ने उनसे तो कोई कांटेक्ट नहीं किया, पर मीडिया में खुलेआम ये जरूर कह दिया कि मैं उनकी फिल्म नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। पता नहीं ये खबरें कहाँ से आ जाती हैं। दरअसल हुआ यूं था कि राजनीति फिल्म में अजय देवगन को प्रकाश झा ने एक मामूली सा रोल दिया था, उसकी वजह से अजय देवगन प्रकाश झा से बहुत नाराज हुए थे और इनके बीच का ये मनमुटाव आज तक चलता आ रहा है, जिस वजह से अजय देवगन प्रकाश झा को इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड के सिंघम के बारे में ये सभी बातें जानकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलूंगी बॉलीवुड की एक और ऐसी ही चटपटी खबर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।